हाय फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन, मैं हूं सौम्या। दोस्तों, आज मैं आपको नाभि में तेल डालने के फ़ायदे बताने वाली हूं कि इससे क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं और इससे आप कैसे डाल सकते हो। दोस्तों, नाभि यानी कि बेली बटन शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर होता है। इसे ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति और शक्ति का केंद्र भी कहा जाता है। ओरिजिन क्योंकि जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है तो अपनी माँ के नाभि से वो जुड़ा होता है, इसी से उसे पोषण मिलता है और उसके बाद उसका पूर्ण विकास होता है। दोस्तों, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। इनमें से तीसरा चक्र होता है नाभि चक्र, जिसे हम मणिपुर चक्र कहते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चक्र होता है। ये शरीर के सारी पावर का मेन सेंटर होता है। दोस्तों, नाभि में 72,000 नाड़ियों का संगम होता है, इसीलिए नेवल चक्र को एक्टिव रखना, इसे क्लीन रखना, हेल्दी रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के थ्रू हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में ऊर्जा जाती है और शक्ति जाती है। जब हम ऑयलिंग करते हैं, जब हम ऑयलिंग अपने नाभि में डालते हैं, तो ये हमारे पूरे शरीर में पोषण देता है और पूरे शरीर की जो भी अशुद्धियाँ होती हैं, इम्प्योरिटी होती है, उसे बाहर निकालता है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता को इम्प्रूव करता है। नाभि में तेल डालने से आप कई सारी बीमारियों से बच सकते हो, साथ ही अपने सौंदर्य को बढ़ा सकते हो। स्किन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उससे बचने के लिए नाभि में तेल डालना बहुत ही ज़रूरी है। अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग तरह के तेल होते हैं और उसे कैसे डालना है मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के थ्रू। और इसके पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड प्रेस द बेल बटन, ताकि न्यू वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो फ्रेंड्स, नाभि में तेल डालने का एक तरीका होता है, 2 से 3 बूंद नाभि में तेल डालना है और उसके बाद उसके चारों ओर यानी कि 1 इंच तक आप अपने उंगलियों के पोरों से वहाँ पे मालिश करना है। ये एक प्रॉपर तरीका होता है ऑयलिंग का, जिससे बेनिफिट प्रॉपर मिलता है बॉडी को। तो चलिए देखते हैं कि बेली बटन में ऑयलिंग करने के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। अगर स्किन पे दाग धब्बे हैं, पिंपल, एक्ने हैं, तो नाभि में 2 से 3 बूंद नीम का तेल डालने से काफ़ी फ़ायदा होता है। ये पिंपल और एक्ने को प्रिवेंट करता है। दोस्तों, नीम में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है जो स्किन इन्फेक्शन को भी प्रिवेंट करता है। अगर चेहरे पे पिगमेंटेशन हो गई है तो नाभि में लेमन ऑयल डालना चाहिए। नाभि में 2 से 3 बूंद लेमन ऑयल डालने से पिगमेंटेशन ठीक होता है, साथ ही ये स्किन की कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है, स्किन को सॉफ्ट बनाता है। अगर आपकी स्किन ड्राई है, फटी फटी रहती है, रिंकल्स आ गए हैं, फाइन लाइन्स आ गए हैं, तो नाभि में देशी घी के 2-3 बूंद डालने से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। इससे स्किन मॉइस्चराइज्ड होता है, स्किन के जो फाइन लाइन्स होते हैं, रिंकल, इसे रिमूव करता है और स्किन पे नेचुरली ग्लो लाता है। एक और ऑयल है जो स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, वो है आमंड ऑयल। आमंड ऑयल में विटामिन ई होता है, इससे स्किन को नेचुरली नरिश करता है ये एंड स्किन पे ग्लो लाता है, डार्क सर्कल, फाइन लाइन को ये रिमूव करता है। ओवरऑल फ्रेंड्स, स्किन के लिए नाभि में तेल डालना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। कुछ लोगों को होंठ फटने की बहुत शिकायत होती है, होंठ फट जाते हैं, उससे ब्लड निकल जाती है कभी कभी, जो होंठ होते हैं वो मॉइस्चराइज नहीं रहते हैं और हमेशा फटे रहते हैं, तो उसके लिए उन्हें अपनी नाभि में मस्टर्ड ऑयल के 2-3 बूंद डालने चाहिए और वहाँ पे मसाज करना चाहिए। मस्टर्ड ऑयल आपके होठों को मॉइस्चराइज करता है एंड जो कालापन होता है, जो होठ काले हो जाते हैं, उसे भी वो नेचुरल कलर देता है, पिंक करता है और सॉफ्ट करता है। दोस्तों, अगर लंबा काला घना बाल चाहिए तो कैस्टर ऑयल की 2 से 3 बूंदें नाभि में डालना चाहिए। इससे बाल लंबे होते हैं, घना और काले होते हैं, साथ ही काफ़ी शाइनी भी हो जाते हैं। देशी घी अगर आप नाभि में डालते हैं 2 से 3 बूंद, उससे भी बाल काफ़ी लंबे, घने और काले होते हैं। मैंने आपको 2 ऑप्शन बताया है जो आपके पास अवेलेबल होगा, इसमें से आप उसे यूज़ कर सकते हो। घुटने के दर्द, ज्वाइंट पेन में 2 से 3 बूंद कैस्टर ऑयल नाभि में डालने से घुटने का दर्द में काफ़ी फ़ायदा होता है, साथ ही अर्थराइटिस, बैक पेन और मांसपेशियों में ऐंठन की समस्या भी खत्म होती है।
सर्दी खांसी या फिर नाक बंद हो जाती है या नाक ज़्यादा बहने लग जाती है, गले की इन्फेक्शन हो जाती है, इन सब में 2 से 3 बूंद सरसों का तेल नाभि में डालने से बहुत ही बेनिफिशियल होता है, इसको क्योर करता है। 2 से 3 बूंद देशी घी को नाभि में डालने से और वहाँ मालिश करने से पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी इम्प्रूव होता है। इससे कॉन्स्टिपेशन, अपच और पेट की जो दर्द है उससे भी राहत दिलाता है। ओलिव ऑयल मेल एंड फीमेल दोनों की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। बहुत सारी विमेन जिनकी हार्मोन इम्बैलेंस हो जाती है उन्हें भी नाभि में 2 से 3 बूंद ओलिव ऑयल डालने से हार्मोन बैलेंस होती है, पीसीओडी की प्रॉब्लम अच्छी होती है, फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। कई महिलाओं को पीरियड्स के टाइम पे मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आती है, काफ़ी पेट दुखते हैं, इस टाइम पे उन्हें अपने नाभि में 2 से 3 बूंद नारियल का तेल डालना चाहिए या फिर ऐसे भी डालते रहें तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है। ये काफ़ी बेनिफिशियल है उन सारी महिलाओं के लिए जिन्हें पेट काफ़ी दुख रहा होता है पीरियड्स के टाइम पे। सरसों का तेल 2 से 3 बूंद नाभि में डालने से मेमोरी पावर इंक्रीज होती है और थकावट, डिप्रेशन, अनिंद्रा इनको भी ये काफ़ी क्योर करता है। आई साइट इम्प्रूव करना है, चश्मों से मुक्ति पाना है तो अपनी नाभि में 2 से 3 बूंद नारियल का तेल डालिए एंड मालिश कीजिए। इससे आई साइट इम्प्रूव होती है, आंखें हेल्दी होती है। सो फ्रेंड्स, ये थे बेनिफिट्स नाभि में तेल डालने के, क्या फ़ायदे हो सकते हैं ये मैंने आज आपको बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप मुझे प्लीज़ बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा।